हमारे साथ में अगले मेहमान पुष्पेन जी, पुष्पेन सिंह जी, बाजार का बड़ा नाम क्रिप्टो के बाजार में और क्रिप्टो की दुनिया में, और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो हाल ही जो 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 चीजें हुई हैं, जो अपडेट्स हुए हैं क्रिप्टो के लिए और क्रिप्टो के अराउंड, वो क्या हुए हैं और उनका किस तरीके से असर है। पुष्पेन जी, बहुत स्वागत है आपका शो पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नया साल है बहुत सारे कैलेंडर्स के हिसाब से, नया साल है इंडियन फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, और बहुत कुछ नया है क्रिप्टो के लिए भी, नया बहुत कुछ है और बहुत सारी नई चीजें शुरू हो गई हैं, कुछ आ गई हैं, इम्प्लीमेंट हो गई हैं, कुछ आगे इम्प्लीमेंट होने वाली है। क्या क्या बदलने वाला है, क्या क्या आज से बदल गया क्रिप्टो की दुनिया में, और उसका रिएक्शन, उस पर आपका व्यू क्या है, दोनों चीजें बता दीजिए। बिल्कुल, आज से क्या कि न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है, और जैसा कि आप जानते हैं कि अब से पहले क्रिप्टो का कोई रेगुलेशन नहीं था इंडिया के अंदर, या क्रिप्टो का कोई टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। और अभी जो पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पर जो बिल पास हुआ है, उसके अंदर क्या होगा कि अब से पहले जो भी टैक्सेशन था वो जनरल कोई कैपिटल गेन के अंदर डाल देता था, कोई शॉर्ट टर्म गेन के अंदर डाल देता था, कोई कहीं से भी कैसे भी फिल कर देता था अपनी आइडिया, और कोई वहां पर स्पेसिफिक क्रिप्टो का पालन नहीं था। अब आज से यहाँ पर जो भी क्रिप्टो के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेड होंगी उन सब के अंदर 30% टैक्स लगेगा। तो अब यहाँ पर कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, जैसे कि इंट्राडे, इंट्राडे के अंदर क्या होता था पहले, कोई टैक्सेशन कोई ऐसे कोई ऐसा रूल नहीं था। अब 1 जुलाई के बाद में यहाँ पर TDS का सिस्टम भी आएगा, जिसके अंदर क्या होगा कि जो भी हम ट्रेड ओपन करेंगे उस ट्रेड के अंदर 1% TDS कटेगा। अब 1% जब TDS कटेगा तो जो हमारी कैपिटल है, चाहे वो ट्रेड हमारी प्रॉफिट में है या लॉस में, 1% TDS हमारा पैन कार्ड के ऊपर सबमिट हो जाएगा। लेकिन वो जो हमें क्लेम करना होगा वो लगभग क्या कि 1 साल बाद क्लेम होगा, तो कहीं ना कहीं जो कैपिटल है वो काफी रिड्यूस हो जाएगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि स्लैब सिस्टम नहीं है कोई। अब जब स्लैब सिस्टम नहीं है तो इसके अंदर क्या होगा, एक ट्रेडर जो 50,000 रुपए पूरे साल के अंदर कमाता है उसको भी 30% टैक्स देना पड़ेगा, और एक ट्रेडर जो साल के 50,00,000 रुपए भी कमाता है वो भी 30% यहाँ पर टैक्स देगा। तो कहीं ना कहीं जो एक तरीके से जो छोटे ट्रेडर में, बड़े ट्रेडर में, छोटी मछली में, बड़ी मछली में कोई फर्क नहीं रह गया है। तो सबसे बड़ा जो कॉम्प्लिकेट चीज है वो यही होने वाली है। एक और चीज निकल के आ रही है कि जो लॉसेस है, जैसे कि मैंने एक यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर एक ट्रेड ओपन करी, एक ट्रेड ओपन करी मैंने इथेरियम के अंदर, बिटकॉइन वाले ट्रेड के अंदर मैंने 500 रुपए कमाए, इथेरियम वाली ट्रेड के अंदर मैंने 500 रुपए यहाँ पर लॉस कर दिए। तो ऐसे में भी क्या है कि मुझे जो प्रॉफिटेबल वाली ट्रेड है उस पर टैक्स देना पड़ेगा, और जो लॉस वाला है जो मैंने 500 रुपए लॉस किए वो भी सेट ऑफ नहीं होंगे। तो ये थोड़ी सी क्या की नेगेटिव चीज है, बट मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि हो सकता है आने वाले 1 या 2 साल के बाद में ये टैक्सेशन पॉलिसी, ये जो अभी करंट जो चीजें हुई हैं, ये सब चेंज होंगी। और जब तक जो हमारा प्लान है यहाँ पर लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाला रहेगा, इंट्राडे ट्रेड कम करेंगे, बाकी अभी के लिए तो यही रिस्क है। ठीक है, तो ये तो ठीक है कि उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बदलनी होगी, कुछ काम बदलने होंगे, और वो तो एक अलग चीज है कि अगर मैं निवेशक हूँ तो मतलब निवेशक हूँ तो शायद उतना फर्क नहीं है, लेकिन अगर ट्रेडर हूँ या कम मार्जिन के साथ में मैं काम करता हूँ, उसमें से भी एक बड़ा मार्जिन जो है वो सरकार ले जाएगी, वो अच्छी बात नहीं है, वो समझ में नहीं आता। तो वो है कि तो कुछ वॉल्यूम कम हो जाएगा, काम कम हो जाएगा बहुत सारे लोगों के लिए, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग आप जो कह रहे हैं, और ये बहुत ही वाकई में इरिटेटिंग चीज हो सकती है या है, सरकार जो कर रही है सरकार को इस पर देखना चाहिए कि जब मुनाफा हो रहा है तो वो आपका है, नुकसान हो रहा है तो वो मेरा है। तो ये तो कहाँ का इंसाफ है, क्योंकि अगर 2 ट्रेड है, और यही होता है मतलब किसी भी बाजार के अंदर में, चाहे मैं इक्विटी की बाजार में बात करूं तो वहां 10 तरीके के 20 तरीके के शेयर्स में खरीदता हूँ, और वो एक पोर्टफोलियो होता है, उस पोर्टफोलियो का ओवरऑल जो नेट नेट रिजल्ट निकलता है कि मैं पॉजिटिव उसमें प्लस में हूँ या माइनस में हूँ, और उस पर मैं टैक्स भरूं, समझ में आता है। उसमें से जिन शेयर्स में मैंने फायदा कमाया उस पर मैं टैक्स भरूं, और जिसमें मेरा नुकसान हुआ वो मेरा है, ये बात कुछ हजम नहीं होती। तो वो नहीं ठीक है कि कॉइन टू कॉइन वाली चीज है, ओवरऑल नेट पोर्टफोलियो पे होनी चाहिए बात, वो वाली चीज लॉस ऑफसेट होना चाहिए कि अगर इस साल मेरा नुकसान होता है, जो कि इक्विटी के अंदर में होता है, कि अगर इस साल का मेरा पोर्टफोलियो 31 मार्च को मैंने जो स्टेटमेंट लगाया और उसके अंदर में अगर मेरा इक्विटी के अंदर में नुकसान दिख रहा है तो वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होता है, एडजस्ट होता है, अगले साल जब मैं प्रॉफिट कमाता हूँ तो उसके अंदर में ये वाले साल का नुकसान माइनस हो जाता है या एडजस्ट होता है, वो सारी चीजें। तो वो बहुत कुछ है जो कि आप ये कह रहे हैं कि इरिटेटिंग है। इस पे कुछ कैंपेन चल रही है सर? कैंपेन चल रही है और कैंपेन कंटिन्यू चलती रहेगी, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसा कानून अभी तक पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी कंट्री के अंदर नहीं है। टैक्सेशन है, टैक्स अगर 30% की जगह 35% भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या है कि सबसे बड़ी चीज
जो 2 लाख रुपए कमा रहा है उसे भी टैक्स देना, और कोई 10,000 रुपए भी कमा रहा है तो भी टैक्स देना, 5,000 रुपए भी कमा रहा है तो भी टैक्स देना, मतलब कोई उसको सोचो कि अगर पूरी साल के अंदर आपको कोई रेफरल इनकम भी आ गई 1,000 रुपए की पूरी साल के अंदर, तो आपको सी हायर करके आपको क्या ITR फिल करनी पड़ेगी, आपको लीगली आपको टैक्स देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इन सब चीजों से क्या होगा कि जो एक आम ट्रेडर है, जो यहाँ पर क्या कि जो छोटा ट्रेडर है, उसके लिए बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। और अगर मैं टैक्स पर्सपेक्टिव से बात करूं, जैसे एक डेवलपर है, एक डेवलपर को क्या कि टोकन चाहिए होते हैं कुछ अपनी नोड रन करने के लिए या ब्लॉकचेन बनाने के लिए या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पब्लिश करने के लिए। आज वो टोकन भी बाय करेगा, वहां पर भी उसका TDS कट जाएगा और वहां पर भी उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो डेवलपर सोचेगा ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम ना करके मैं तो अपनी सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी पर ही काम करता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव चीज है और ये पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, तो कुछ चीजें अच्छी हुई कि सरकार ने कुछ देखना सोचना शुरू किया रेगुलेशन की तरफ, लेकिन बहुत ही अधकचरे ज्ञान के साथ में और बहुत ही कम जानकारी के साथ में जैसे लग रहा है कि सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया और उसको ये नहीं समझा कि उसके अंदर में और डिटेल्स क्या है, टेक्निकल चीजें नहीं समझी, नॉर्मल चीजें भी नहीं समझी। तो टेक्निकल तो एक चीज है जो आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि सही बात है कि एक डेवलपर के लिए जो कि उसमें केवल डेवलप करने जा रहा है, कुछ प्रोजेक्ट बना रहा है, उसके लिए है कि ब्लॉकचेन जैसी एक नई टेक्नोलॉजी को यूज करे, और उसको यूज करने के लिए उसे अगर ट्रेडर और इन्वेस्टर जैसा या वैसा समझा जा रहा है और उससे टैक्स लिया जा रहा है जिसका कि कोई मतलब नहीं, तो वो एक अलग चीज है। और कुछ चीजें तो नॉर्मल थी जो कि आप हर टैक्स के साथ में आप करते हैं ना कि स्लैब्स बनाते हैं, तो जब भी कोई भी टैक्स आया तो उसमें आपने 4 तरीके के स्लैब्स बनाए कि यहाँ से यहाँ तक तो हम ये टैक्स फ्री है कि ये तो छोटा कोई निवेशक है या ट्रेडर है या कोई भी है या इवन डेवलपर है, इतने पैसे तक अगर काम कर रहा है तो उस पर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं। तो कुछ तो वो वाली चीजें करनी चाहिए थी, स्लैब वाइज होना चाहिए था, प्लस ये ऑफसेट वाली चीज प्रॉफिट और लॉस वाला वो वाला, तो ये बहुत सारी चीजें गड़बड़ है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुई बात रेगुलेशन पे, और उसके अलावा कुछ अभी बिल के अंदर में कोई और नई चीज अब इसके अलावा तो अभी फिलहाल नहीं है ना सर जिसपे बात करा जाए। सबसे बड़ी चीज यही है, अब एक ट्रेडर पूरे साल के अंदर 1.5 लाख रुपए कमाता है और उसके बाद मैं क्या कि वो अपनी ITR फाइल करता है, 5,000 रुपए सीए को देता है, 45,000 रुपए टैक्स भरता है, फिर TDS क्लेम करता है, तो उसका जो प्रॉफिट है वो तो कुछ नहीं रह जाता और उसका घर ही उसी चीज से चलता है। फॉर एग्जाम्पल कोई फुल पर्सन कोई डेडिकेटली यही काम कर रहा है, फुल टाइम काम कर रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। सही बात है, और ये बहुत तरीकों से है, मतलब मैं वैसे भी सोच रहा था कि मतलब एयर ड्रॉप भी अगर आ गया मेरे को 100 रुपए का भी आ गया तो मैं वहां पे एक रेगुलेशन और उसमें फंस गया कि अब मेरे को ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी और इस सारा वो अलर्ट सब कुछ डिक्लेयर करो और उस पर टैक्स भरो, तो भले ही वो टैक्स 100 रुपए के सामान पे 30 रुपए का टैक्स होगा उससे फर्क नहीं है, लेकिन वो 100 रुपए के सामान पे 30 रुपए के टैक्स को भरने के लिए जो कंप्लायंस की कॉस्ट है, जो खर्चा है जो आप बता रहे हैं, वो मेरे लिए एक बड़ा हेडेक हो गया कि ये तो क्या कर लिया मैंने। अदरवाइज हो गया एक सिंपल चीज थी कि मैंने पेटीएम में अकाउंट खोल लिया और कहीं से और या किसी सॉफ्टवेयर किसी ऐप को करा और उसने मेरे को कुछ दिया, उस तरीके की जो चीजें हो रही थी जो कि बहुत नॉर्मल है इस तरीके के नए वर्ल्ड में, और उसमें कि नया कॉइन आता है या कुछ और होता है, चीजें प्रमोशन होते हैं, बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं, मिलता है ये वाली चीज। वो मेरे अकाउंट में आ गया, अगर मुझे मिल गया कुछ तो अब मैं कंप्लायंस के लिए खर्चे करता फिर हूँ और चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखता फिर, तो ये बड़ा ठीक है।